दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जब भी कहानियों और किस्सों की बात आती है तो हमें पुराने घरों, टूटी फूटी इमारतों का ख्याल आता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो श्रापित है या इन चीजों पर भूतों का साया है। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी ही कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भूतों का साया है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं द जंपिंग गोस्ट कार की। केप टाउन शहर साउथ अफ्रीका का वही शहर है जहां 2004 में सबसे भूतिया घटना घटी थी। एक परिवार को घर के बाहर कार टकराने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी थी जिस वजह से उस परिवार की नींद खुल गई। उन्होंने बालकनी में जाकर देखा तो पता चला कि उनकी कार पर एक फैन गिर गया था, लेकिन उन्हें लगा कि कोई चोर उनकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो नीचे आए तो पता चला तो कोई नहीं है, कार के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पूरी घटित घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस यकीन नहीं कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों तभी कार फिर से शुरू हो गई और आगे पीछे जाने लगी और उछल कर बंद हो गई। दोस्तों इस घटना को 9 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इस कार की जब जांच की गई तो पता चला कि कार स्टार्ट होने के पीछे जंग लगे स्टार्ट केबल को माना जाता है, लेकिन इसका आगे पीछे जाना और उछलने का कोई रीजन पता नहीं चल सका। दोस्तों बात करते हैं द गोल्डन ईगल कोस्ट कार की। दोस्तों अमेरिका में मौजूद इस कार को खरीदा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। एक कथा के अनुसार जो 3 पुलिस ऑफिसर इस कार को चलाया करते थे उन्होंने सुसाइड किया था। हर किसी ने अपने परिवार की हत्या कर खुद भी मर गए थे। कार की वजह से होने वाली इन रहस्यमय घटनाओं के कारण इस कार को अस्थानीय व्यक्ति को बेच दिया गया था। दोस्तों जिस किसी ने भी इस कार को नुकसान पहुंचाना चाहा तो उस इंसान की मौत बिजली गिरने की वजह से हो गई या किसी न किसी कारण एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती। तकरीबन 14 लोगों की मौत के पीछे का जिम्मेदार इस कार को माना जाता है। वेंडी एलन जो कि कुछ साल पहले इस गाड़ी की मालकिन हुआ करती थी, उन्हें इस कार ने किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो इस बात को अफवाह मान लेती है। लेकिन कुछ लोगों ने इस कार में मौजूद मोबिल को खत्म करने के लिए इस कार के पार्ट्स को खराब कर दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं द ब्लैक वोल्गा गोस्ट कार की। सन 1960 और 70 के दशक में रशिया, पोलैंड के हंगरी और मंगोलिया जैसे देशों में द ब्लैक वोल्गा की कहानियों ने तहलका मचा दिया था। काले रंग की खूबसूरत कार लोगों के अपहरण की वजह से काफी बदनाम हुई थी और कहा जाता है कि इस कार से लोगों से समय पूछने की आवाज आती है। जो कोई भी व्यक्ति समय बताने इस कार के पास आता है उसे दरवाजा खोलकर अंदर खींच लिया जाता था और अपहरण कर लिया जाता था। ये कार रास्ते से कब आती है, कब रास्ते से चली जाती है ये पता नहीं चलता था। दोस्तों कार के बाहर से हम देख नहीं सकते थे कि अंदर कौन बैठा है, इसलिए किसी ने इस कार के ड्राइवर को कभी नहीं देखा। कोई समझता था कि इस कार को सोवियत यूनियन के अधिकारी चलाते थे तो कुछ इंसान कहते थे कि इस कार को कोई शैतान खुद चलाता था। दोस्तों बात करते हैं गोस्ट बस की। लंदन की कोरी भरी रात का समय था 1934 का। एक इंसान जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, अचानक से वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो अपनी गाड़ी को मोड़ने लगता है। कार को मोड़ते समय उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस समय पहुंचे लोगों ने बयानों में कहा है कि वो किसी चीज से बचना चाहता था। इस घटना के बारे में एक कथा भी प्रचलित हुई थी कि ये काम किसी गोस्ट बस का था। अक्सर एक भूतिया बस रात के 1:15 में यहाँ कई बार देखी जा चुकी थी। देखने वालों को लगता है कि यह बस उनकी गाड़ी से टकराने वाली है, इसलिए किसी हवा की तरह गाड़ियों के पार तेजी से चली गई। गाड़ी में लगे मिरर में इस बात का कोई भी साया नजर नहीं आता। दोस्तों बात करते हैं जेम्स टीन्स 550 स्पाइडर गोस्ट कार की। दोस्तों जेम्स टीन्स एक अमेरिकन एक्टर थे जो करोड़ों दिल की धड़कन हुआ करते थे। एक बार एक्सीडेंट में जेम्स की मात्र 24 साल में मौत हो गई थी। टूटी फूटी कार जिसका हाल बहुत ही खराब था, इसे रिपेयर करने के लिए शॉप में लाया गया, लेकिन इस रिपेयरिंग के दौरान कारीगर का पैर टूट गया। इस गाड़ी के पार्ट निकालकर जिन 2 गाड़ियों में लगा दिए गए थे उनमें से एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के एक हादसे में मारा गया और दूसरा गंभीर जख्मी हो गया। 2 लोगों ने इस कार के पार्ट को चुराने की कोशिश भी की तो वो भी जख्मी हो गए थे। दोस्तों अब ये घटनाएं जेम्स टीन की आत्माएं करती हैं या फिर कोई और ये तो नहीं पता, लेकिन एक दिन कार ट्रांसपोर्ट के दौरान अचानक कहीं गायब हो गई। तब से इस कार को कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों आपको सबसे भूतिया कार कौन सी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।